की हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी गेमर का जो क्रेज़ है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आज की डेट में गेमर का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और इसलिए मैंने सोचा स्पेशल गेमर के लिए एक अच्छा वीडियो लेके आऊँ। यानी कि काफ़ी सारे लोग का बजट होता है 20,000 या 25,000, चाहे वो आपका बजट हो 30,000, एंड उसी प्राइस पॉइंट में उसको चाहिए हैवी पावरफुल लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, जिसमें किसी भी गेम को काफ़ी हाई स्मूथ में खेल पाए, वो भी बिना किसी लैग एंड फ्रेम ड्रॉप का। तो मैंने सोचा आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊं, और यही वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते ना, तो यहाँ पर मैं आपको एक नहीं काफ़ी तगड़ा तगड़ा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, और हर प्राइस पॉइंट में एक बढ़िया स्मार्टफोन बताने वाला हूँ, और लेटेस्ट प्रोसेसर बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप 700 वाला प्रोसेसर आज की डेट में खरीदते हो तो वो भी ठीक है प्राइस के हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि आपको दिलाओ बढ़िया तगड़ा पावरफुल स्मार्टफोन, जहाँ पर आप किसी भी गेम को काफ़ी हाई स्मूथ में खेल पाए, वो भी बिना किसी लैग एंड फ्रेम ड्रॉप का। तो देखो, अगर आपको अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेना ना है, तो कम से कम आपका बजट 20,000 के आसपास में होना ही चाहिए। सो ही गाइस, माय नेम इज रोशन, वेयर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स चेक आउट बेस्ट लेटेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन। आज की डेट में अगर आपको 20,000 के अंदर में एक बढ़िया पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा पोको X3 Pro। देखो, ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है, लेकिन आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी स्मार्टफोन है। इस प्राइस में इसमें काफ़ी लेटेस्ट और हैवी चिपसेट यूज किया गया है। सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें 800 वाला प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि ये स्मार्टफोन का बहुत ही बड़ा बिगेस्ट प्लस पॉइंट है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट एंड काफ़ी हैवी है। और उनके अलावा उसके साथ आपको लार्ज बैटरी बैकअप भी देखने के लिए मिलती है, 5160 mAh की बैटरी, एंड इसमें आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है। देखो, अगर आपको किसी भी गेम को काफ़ी हाई स्मूथ में खेलना पड़े, या चाहे पबजी हो या चाहे कोई और भी अनदर गेम, तो दो तीन चीज़ बहुत ही मायने करता है। पहले कि स्मार्टफोन में अच्छा खासा प्रोसेसर होना ही चाहिए, एंड बैटरी बैकअप भी लंबी होना चाहिए, प्लस रैम और स्टोरेज एंड डिस्प्ले भी बेटर होना चाहिए। तो पोको X3 Pro में ऑलमोस्ट चीज़ बेटर ही दे रखा है। इसमें आपको लेटेस्ट जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, उनके लिए 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS पैनल डिस्प्ले विथ 120Hz हाईएस्ट रिफ्रेश रेट एंड 6GB रैम, 128GB स्टोरेज। तो यहाँ पर देखो, आपको लार्ज बैटरी बैकअप के साथ अच्छा खासा प्रोसेसर भी देखने के लिए मिलता है। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको 20,000 के अंदर में एक तगड़ा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, तो पोको X3 Pro को देख लो। बाकी इसमें मैंने PUBG भी टेस्ट किया है, 60fps ग्राफिक्स में आप इजीली खेल पाओगे, वो भी बिना किसी लैग एंड फ्रेम ड्रॉप का। 25 के अंदर में अगर मैं एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चूज करूँ, तो मैं सैमसंग का गैलेक्सी F62 को ज़रूर देखूंगा, क्योंकि ये भी स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है भाई सैमसंग का गेमिंग के लिए अच्छा स्मार्टफोन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सैमसंग आज की डेट में काफ़ी तगड़ा लेटेस्ट और हैवी स्मार्टफोन लेके आ रहा है स्पेशल गेमर के लिए। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, और इसमें यूज किया गया एक्जोनस का 9825 का प्रोसेसर, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड लेटेस्ट है। साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा बिग बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, 7000mAh की काफ़ी लंबी बैटरी, जिसमें 25W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रखा है। उनके 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED स्क्रीन डिस्प्ले एंड 6GB का रैम है, 128GB का स्टोरेज है। काफी क्रेजी स्मार्टफोन है अंडर 25K के अंदर में आता है। सैमसंग का गैलेक्सी F62 में मैंने PUBG भी टेस्ट किया है, अब यहाँ पर 60fps ग्राफिक्स में इजीली खेल पाओगे, वो भी बिना किसी लैग एंड फ्रेम ड्रॉप का। तो काफ़ी तगड़ा एंड पावरफुल स्मार्टफोन है। बाकी ये स्मार्टफोन आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। और स्मार्टफोन है 25K के अंदर में, वो है Realme X50 Pro, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट एंड पावरफुल चिपसेट है। बाकी 42mAh की बैटरी है एंड 65W की सुपर डार्क चार्जर दे रखा है, यानी कि 0 से 35 मिनट में 100% मोबाइल को चार्ज कर देता है। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको 8GB का रैम मिलता है एंड 128GB का स्टोरेज, वो भी 25,000 के अंदर में। बाकी डिस्प्ले भी बेटर है। Realme X50 Pro में काफ़ी लेटेस्ट एंड हैवी चिपसेट को यूज किया गया है, जहां पर आप किसी भी गेम को काफ़ी हाई स्मूथ में खेल पाओगे, वो भी बिना किसी लैग एंड लेटेंसी का। काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है, और ये एक 5G भी स्मार्टफोन है। तो Realme X50 Pro इंडिया का 2nd नंबर स्मार्टफोन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, और आज की डेट में भी ये स्मार्टफोन 25K के अंदर में आता है। और इस प्राइस में आपको
लेटेस्ट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो ये भी स्मार्टफोन काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर देना है। और ये पार्ट वन है, पार्ट टू भी लेके आ रहा हूँ मैं, आपको बताऊंगा पार्ट टू में क्या अलग होगा और क्या यूनिक होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को लाइक कर रखता हूँ 1.5 की, और नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो, और पास में आपको बैल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करके ऑल कर लो। अब बात करते हैं 30 हज़ार के अंदर में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। तो मेरी नज़र पर एक ही इकलौता स्मार्टफोन है, वह है Mi 11X, जो कि MI का सीरीज है। काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है, जो कि सबसे लेटेस्ट जनरेशन वाला आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस है। काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट एंड काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, वो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है। बाकी इसमें आपको डिस्प्ले भी काफ़ी तगड़ा देखने के लिए मिलता है, 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले विथ 120Hz हाईएस्ट रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट का भी ऑप्शन दे रखा है। बाकी 4520mAh की काफ़ी लार्ज बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है। तो MI का 11X में, Mi 11X में आपको लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। ये प्रोसेसर हाल ही फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है, किसी भी गेम को काफ़ी हाई स्मूथ में खेल पाओगे, वो भी बिना किसी लैग एंड फ्रेम ड्रॉप का। काफ़ी पावरफुल चिपसेट यूज किया गया, क्रेजी स्पेक्स ये स्मार्टफोन में दिया गया है। तो ये स्मार्टफोन लिटरली में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये स्मार्टफोन आपको 30 हज़ार के अंदर में मिलता है, और मुझे लगता है 30 हज़ार के अंदर में एक ऐसा ही इकलौता यही स्मार्टफोन है जो कि आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। देखो बहुत सारा और भी स्मार्टफोन है 30 हज़ार के अंदर में, लेकिन वो सारा स्मार्टफोन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, और उसमें 765 वाला और यानी कि 700 वाला प्रोसेसर यूज किया गया है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया। स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई आज की डेट में अगर आपको बढ़िया गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए ना, पावरफुल चिपसेट स्मार्टफोन में रहना ही चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई आज की डेट में अगर आपको अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन लेना है, चाहे आपका बजट 20 हज़ार हो या 25 हज़ार हो या 30 हज़ार हो, जो भी हो उस प्राइस रेंज में आपको 800 वाला ही प्रोसेसर को चूज करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो मैंने आपको 20 हज़ार के अंदर में भी एक अच्छा स्मार्टफोन बताया, जो कि ये Poco X3 Pro। 25 हज़ार के अंदर में मैंने आपको दो स्मार्टफोन रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, Realme X20 Pro एंड यहाँ पर सैमसंग का Galaxy F62। और 30 हज़ार के अंदर में मेरे नज़र पर एक ही इकलौता यही स्मार्टफोन है, Mi 11X। अगर आपका बजट है 30 हज़ार से प्लस 40 हज़ार 50 हज़ार, तो पार्ट टू का वेट कर लो, वहाँ पर भी आपको तगड़ा तगड़ा स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। पार्ट टू वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो पार्ट वन को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, और नीचे कमेंट करके बताना। देखो यहाँ पर मैंने जो भी स्मार्टफोन बताया अपने हिसाब से, यानी कि मेरा फेवरेट है, और मैं किसी भी दोस्तों को अगर रिकमेंड करूँगा तो आज की डेट में यही करूँगा। देखो गाइस 30 हज़ार के अंदर में एक नहीं दो नहीं बहुत सारा स्मार्टफोन है, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है वो मैं आपको चूज करके बताया, बाकी आपका मर्जी। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से सबसे बेस्ट डिवाइस आपको कौन सा अच्छा लगा। गाइस हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।